हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में, कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में और कंप्यूटर की लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या होता है। आप बात को ऐसे समझिए कि जो पर्सन टीच करता है उसे हम बोलते हैं टीचर, जो पर्सन डांस करता है उसे हम बोलते हैं डांसर, लाइकवाइज जो प्ले करता है उसे हम बोलते हैं प्लेयर। इस तरीके से जो डिवाइस कैलकुलेट करती है उसे हम कहते हैं कैलकुलेटर। आप सबने कैलकुलेटर देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा। तो जो मीनिंग कैलकुलेट का होता है सेम मीनिंग कंप्यूटर शब्द का भी होता है, यानी कैलकुलेट करना या गणना करना। तो जितने भी डिवाइसेज हैं जो कंप्यूट कर सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ऐसे इसलिए दोस्तों क्योंकि अपने अर्ली डेज में, शुरुआत के दिनों में, कंप्यूटर जो डिवाइस इंसान ने बनाई थी उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता था। आज के डेट में हम देखते हैं कि कंप्यूटर के साथ हम ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, टेक्स्ट फाइल, ग्राफिक्स फाइल, किसी तरह की फाइल पे हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इंसानों ने कंप्यूटर का निर्माण किया, कंप्यूटर बनाया, तो शुरुआत के दिनों में कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ ही डील कर सकता था और सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए ही हम कंप्यूटर का यूज़ करते थे। यही कारण है कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर रखा गया, यानी कैलकुलेट करने वाली डिवाइस। अब समय के साथ साथ कंप्यूटर बेटर होता गया, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और आज हम देखते हैं कि हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर है, वो हर तरह के कामों में हम यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नाम तो इसलिए पड़ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट करता था। अब नाम वही रह गया डिवाइस का कंप्यूटर, लेकिन फंक्शन उसका बहुत बढ़ गया है। तो मैंने आपको आई थिंक समझा दिया है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा गया, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस के रूप में डिज़ाइन किया गया जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट या कंप्यूट ही कर सकता था। तो लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और हम उसको बोलें कि कंप्यूटर इज़ अ कैलकुलेटिंग मशीन, तो ये बेटर नहीं होगा, उचित नहीं होगा। क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर रहा है, सिर्फ कंप्यूट नहीं कर रहा है। तो आज के डेट में हम कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस ऑन इट एंड गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर पर चलने वाला, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही संचालित होता है, हाई स्पीड तेजी से काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता है। डिफरेंट टाइप के डेटा कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर पहले सिर्फ नंबर को ही प्रोसेस कर सकता था, सिर्फ नंबर्स पे डील करता था, लेकिन आज का हमारा मॉडर्न कंप्यूटर नंबर, अल्फाबेट, सिंबल, ऑडियो, वीडियो, इमेज और भी बहुत सारे डेटा के टाइप होते हैं जिनको वो इनपुट के रूप में ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, उस पर दुनिया भर के प्रोसेसिंग कर सकता है, डेटा पे मैनिपुलेशन कर सकता है और आफ्टर प्रोसेसिंग वो डिजायर्ड आउटपुट देता है। कंप्यूटर की खास बात ये है कि आज जितने तरह के डेटा या फैक्ट या फिगर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑडियो, वीडियो, इमेज, हर तरह के डेटा पर कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यही कारण है कि आज हमारी लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन लाइन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, आपका फाइनेंस सेक्टर हो, कोई फील्ड शायद ही ऐसी बची हो जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ ना कर रहे हो। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया, क्योंकि अपने शुरुआत के दिनों में वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट ही करता था, कंप्यूट ही करता था, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की, जिस वजह से कंप्यूटर हमारी लाइफ के हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले कंप्यूटर का फीचर्स है स्पीड। कोई भी काम कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से करता है, जैसे कैलकुलेशन हम मैनुअल भी कर सकते हैं, इसके बाद भी हम कैलकुलेटर का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो कैलकुलेशन हम तेज़ी से कर सकें। और कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन ही करता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शन ऑपरेट करता है, और अगर हम कंप्यूटर की मदद से कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से वो फंक्शन ऑपरेट कर देता है, तो समय की बचत हो जाती है। कंप्यूटर का दूसरा फीचर है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता, यानी करेक्टनेस। हम कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है जब तक कि हम उसको रॉन्ग डेटा प्रोवाइड ना करें या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिनेरियो में कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है,
इसलिए बड़े कैलकुलेशन में या जहां पर हमें जल्दी से कैलकुलेशन करना होता है, हम कंप्यूटर का यूज करना चाहते हैं ताकि बिना किसी गलती के कंप्यूटर हमें सही रिजल्ट या सही परिणाम दे सके। कंप्यूटर का नेक्स्ट फीचर हमारा तीसरा है ऑटोमेशन, यानी स्वचालित स्वचालन। कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सारे कामों को ऑटोमेटिक रूप से संचालित कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक से एग्जांपल देता हूँ। एटीएम आप यूज करते होंगे, पहले आपको पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, कैशियर रजिस्टर में आपका बैलेंस चेक करता था, पैसा निकालता था, रजिस्टर में नोट करता था। लेकिन एटीएम की मदद से आप ऑटोमेटिक तरीके से बिना किसी इंसान की मदद से अपना एटीएम कार्ड लगा के सारी डिटेल फीड करके पैसा अपने अकाउंट से निकाल लेते हो, और वो जो डिवाइस है एटीएम, वहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है जो आपके अकाउंट से उतना बैलेंस डिडक्ट कर देता है, यानी कम कर देता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिक यानी अपने आप संचालित होती रहती हैं। आज की डेट में कंप्यूटराइज कार आ रही है, कंप्यूटराइज बाइक आ रही है, टेलीविज़न आ रहा है। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो, आपने टीवी को ऑफ नहीं किया है, तो आपका टीवी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। कंप्यूटर का नेक्स्ट फीचर है डिलीजेंस या डिलीजेंसी, यानी कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसानों की तरह एक पार्टिकुलर टाइम के बाद थक नहीं जाता है। जैसे कि हम जानते हैं इंसान जो वर्क करता है, जॉब पे जाता है, ड्यूटी करता है, अपनी शॉप पे वर्क करता है, तो 5-6-7-8 घंटे के बाद वो थक जाता है। उसके बाद अगर वो वर्क करता भी है तो वर्क में वो क्वालिटी नहीं रहती है। लेकिन कंप्यूटर बिना रुके, बिना परेशान हुए लगातार काम करता रहता है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं, जैसे हमारा जो मोबाइल सिस्टम जिस पे वर्क कर रहा है, आप देखोगे एक्सचेंज जाके तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे जो लगातार जिस दिन से वो इंस्टॉल किए जाते हैं और जब तक वो ख़राब नहीं हो जाते हैं वो कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं, उनको ऑफ भी नहीं किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके लगातार काम करता रहता है, यानी कंप्यूटर बहुत ही परिश्रमी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कंप्यूटर का है जिसको हम कहते हैं वर्सेटिलिटी, यानी विविधता। कोई भी एक पर्सन होता है, वो या डॉक्टर होता है, या इंजीनियर होता है, या टीचर होता है, ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में करते हो। तो कंप्यूटर एक ऑलराउंडर मशीन है। आप इंटरटेनमेंट में भी उसका यूज़ करते हो, आप अकाउंटिंग में भी उसका यूज़ करते हो, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करते हो, आप मैसेज को भेजने और रिसीव करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हो, एटीएम में भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो, शॉपिंग काउंटर पर बिलिंग के लिए भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो। इनफैक्ट शायद ही ऐसी कोई फील्ड बची हो जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं। यही फीचर कहलाता है कंप्यूटर का वर्सेटिलिटी, यानी कंप्यूटर एक ऑलराउंडर मशीन है। इतनी सारी विशेषताओं के बाद भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे सेक्टर में बंद हो जाएगा अगर एक फीचर कंप्यूटर के अंदर ना होता, जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज या संग्रहण क्षमता। हम जब हमारे स्कूलिंग स्टार्ट होता है, बचपन में 3-4 साल के बाद हम लोग स्कूल भेजे जाते हैं, वहाँ पे हम साल भर तक पढ़ाई करते हैं और साल के अंत में हमें एग्जाम देना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ टाइम स्टडी करते रहते हैं, लाइफ टाइम सीखते रहते हैं, और हमारे दिमाग से बहुत सारी बातें वाइप आउट होती रहती हैं, वॉश आउट होती रहती हैं, यानी हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, याद करके रख नहीं पाते हैं, भले ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हो या जो भी आप आउटपुट जनरेट करते हो, उसे कंप्यूटर में आप अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से सेव करके रख सकते हो। और ख़ास बात यह है कि कंप्यूटर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, और वो तब तक सेव रहेगा जब तक उसको हम डिलीट ना कर दें। यानी न कि सिर्फ कंप्यूटर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, बल्कि वो स्टोर करके रख भी सकता है। और ख़ास बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो कुछ ही सेकंड से या मिनट में हम कंप्यूटर से रिट्रीव भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताया, जैसे स्पीड हो गया आपका, ऑटोमेशन हो गया, एक्यूरेसी हो गई, डिलीजेंसी हो गया, और स्टोरेज हो गया। ये सब कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण कंप्यूटर इतना पॉपुलर है और हमारी लाइफ के हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसी कोई डिवाइस दुनिया में है ही नहीं जहां पर कुछ लिमिटेशंस ना हो। ध्यान रखिए, हम लिमिटेशन की बात करने वाले हैं,
न कि कमी की। कंप्यूटर में कोई भी कमी नहीं है, कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या हैं? जैसे कंप्यूटर ब्रेनलेस मशीन है, उसके पास खुद का ब्रेन नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है उसके अंदर। अगर हम बात करें इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की, तो आप देखिए इंसान न तो शेर जैसा पावरफुल है, न हाथी जैसी शक्ति उसके अंदर है, न तो वो घोड़े जैसा तेज दौड़ सकता है, न तो वो चिड़िया जैसे उड़ सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में इंसान इन सारे जानवरों को कंट्रोल करता है, उनको अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से यूज करता है, सिर्फ अपने ब्रेन के पावर के बल पे। क्योंकि इंसान के पास ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, और अपने दिमाग के बल पे वो उन सारे खतरनाक जानवरों को भी अपने काबू में करता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करता है। लेकिन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हर मामले में, चाहे वो मेमोरी की बात कर लीजिए आप, चाहे स्पीड की बात कर लीजिए, चाहे एक्यूरेसी की बात कर लीजिए, हर मामले में कंप्यूटर इंसान से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब बात आती है इंटेलिजेंस की, सेल्फ डिसीजन की, स्वयं से निर्णय लेने की, तो यहाँ पर इंसान कंप्यूटर से आगे है। कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन नहीं है, वो स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं वो उसी के हिसाब से काम करता है। यानी कंप्यूटर का टोटल फंक्शन हमारे द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि आज की डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, यानी हम ऐसे कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनफैक्ट हम बना चुके हैं ऐसे कंप्यूटर्स जो स्वयं का निर्णय ले सकते हैं, सक्षम है। और जैसे इंसान खुद सीखता रहता है एनवायरनमेंट से, लोगों से, चीज़ों से, आने वाले दिनों में कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स के अलावा खुद अपने आप को प्रोग्राम कर लेगा। और जैसे हम एनवायरनमेंट से या चीज़ों से सीखते हैं, कंप्यूटर भी खुद से सीखना स्टार्ट कर देगा, और इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास ब्रेन भी नहीं है और कंप्यूटर के पास इमोशंस भी नहीं है, यानी वो कुछ फील नहीं करता है, ना वो लव को फील कर सकता है, ना वो अफेक्शनेट हो सकता है, ना वो एंग्री हो सकता है। कितनी भी जो भी फीलिंग्स या इमोशंस हम इंसानों के अंदर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर फीलिंग लेस है, इमोशन लेस है, और कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन भी नहीं है। बहुत सारी पावरफुल बातें कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन जो निर्देश, जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर इंसान उसे देगा वो उसी के हिसाब से ही गवर्न होता है। तो ये कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन थी। तो इस सेशन में उन्होंने कंप्यूटर की डिफिनीशन, कंप्यूटर की फीचर्स और कंप्यूटर की लिमिटेशन को समझा। थैंक यू।